आज बहुत ही अर्जेंट में पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ इस बात को लेके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लगभग 600 मेल फीमेल स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस सेकेंड ईयर के हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोकोवेनिन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी करने वेस्टी यूक्रेन में एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और वहां पढ़ रहे थे लगातार, लेकिन कोरोना के बाद से उनकी कैंटीन, उनके होटल्स और उनके कैफेटेरिया वगैरह तो लॉक तो हो ही गए, वो तो नेचुरल हंगर स्ट्राइक पे हैं, उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। और उससे भी बड़ी बात, जो यूक्रेन की पुलिस है वो उन्हें थर्ड डिग्री यूज कर रही है, टॉर्चर कर रही है फिजिकली मेंटली, किस लिए कि वे इंडियन है, केवल इसलिए उन्हें मारा पीटा जा रहा है, लड़के और लड़कियों को जो कि केवल इंडियन होने की वजह से, जबकि हिमाचल प्रदेश के लोग वैसे सीधे साधे होते हैं और मेडिकल लाइन के स्टूडेंट तो बहुत ही स्वभाव उनका नरम स्वभाव होता है, तो उनके साथ ये टॉर्चर हो, तो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, बिना दवाओं के भी हैं और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, थर्ड डिग्री यूज किया जा रहा है। इस बात के लिए हमने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसमें आज फाइल किया है और उसमें साफ तौर पर मांग की है कि आप उन्हें एयरलिफ्ट करें, जैसे औरों को किया गया वैसे उन्हें भी एयरलिफ्ट किया जाए और एयरलिफ्ट का खर्चा जो भी एक्सपेंसेज आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के लिए, उनके परिवार वाले, हिमाचल के जो परिवार वाले उनके हैं, वो सब पे करने के लिए तैयार है। जब वो यहां वापस आए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरे, उसके बाद उनका पूरा मेडिकल चेकअप हो, उसको एक्सपेंस बियर करने के लिए तैयार है। क्वारंटाइन में अगर रखना है 14 दिन तो वो भी रखें, उसके लिए अकोमोडेशन अरेंजमेंट भी करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ जब वो सही हो जाए, आपको लगे बिल्कुल मेडिकल चेकअप में सही है, तो उनका अगर आप मेडिकल लाइन में प्रयोग करना चाहें, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, चाहे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में जरूरत हो, चाहे प्रदेश के देश के किसी भी भाग में जरूरत हो, वहां भी उनके परिवार वाले उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है सुनने के लिए, इसलिए हमने इसको प्रेस किया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत को इस पर बहुत जल्दी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उनका फिजिकल और मेंटल हरेसमेंट इसलिए हो रहा है, इंडियन है इसलिए यूक्रेन पुलिस टॉर्चर कर रही है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और हमारा भारत का संविधान कभी इस बात को इजाजत नहीं देता। हमने वहां उनके कॉलेज में पढ़ाई के लिए गए हैं, हम उनको फाइनेंशियली कर रहे हैं और हमारे यहां के लोग खून पसीना की कमाई उनको दे रहे हैं और उनके साथ वहां की यूक्रेन पुलिस उनको मारपीट करे लड़के लड़कियों के साथ, ये बहुत ही गलत है, न्याय इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और उनके परिवार वालों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर जयराम ठाकुर को भी चिट्ठी लिखी, प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, एक्सटर्नल अफेयर को भी चिट्ठी लिखी और वहां के लड़के लड़कियां अपनी वीडियो भी भेज रहे हैं, ट्वीट के स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, उन्होंने वहां के एम्बेसडर को भी जाके अप्रोच किया, एम्बेसडर भी कोई नहीं सुन रहे हैं वहां, वो भी कह रहे हैं बस यूक्रेन पुलिस जो कर रही करने दो पूरा। ये तांडव हो रहा है यूक्रेन में बच्चों के साथ, मेडिकल बच्चों के साथ।